हाय एवरीवन वेलकम बैक और आज की वीडियो में जो है हम हमारी मशीन लर्निंग टेक्निक्स का फोर्थ मोड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ए से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे सो so स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमारा होता क्या है तो आर्टिफिशल न्यूरल नेटवर्क जो है ये बेसिकली हमारा इंस्पायर हुआ है हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से हमारा ह्यूमन ब्रेन फंक्शन करता है काम करता है उसी से जो है कम्प्लीटली साइंटिस्ट ने जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को डिज़ाइन किया है अब ये जो है बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये हमारा एक कम्पूटेशनल मशीन लर्निंग मॉडल होता है जो कि बना होता है हमारी इंटरकनेक्टेड नोड्स से अब इंटरकनेक्टेड नोड्स को जो है हम टेक्निकल टर्म में जो है न्यूरॉन्स बोलते हैं जिसको जो हम लेयर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करते हैं अब इसके अंदर जो न्यूरोन होता है यानी कि जो हमारी नोड्स होती है वो बेसिकली जो है जो हमारी इनपुट वैल्यूज़ होती हैं उनको रिसीव करती है और उन इनपुट वैल्यू को प्रोसेस करके यानी कि उन इनपुट वैल्यूज़ पे कुछ कैलकुलेशन करके नेक्स्ट न्यूरॉन को पास करती है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा ए होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये कुछ लेयर्स में ऑर्गेनाइज़ होता है तो बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं इसके अंदर फर्स्ट वन इज़ इनपुट लेयर जिसके अंदर जो है हमारा इनपुट डेटा जो है वो रिसीव होता है एंड देन पास कर दिया जाता है दूसरी हिडन लेयर को अब इसके अंदर जो हमारी सेकेंड लेयर है उसका नेम है हिडन लेयर हिडन लेयर आपकी एक या एक से ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डेटा एंड नीड हिडन लेयर्स क्या करती हैं फिर जो इनपुट डेटा हमने रिसीव किया वाया इनपुट लेयर उसको जो है फिर वो क्या करती है ट्रांसफॉर्म करती है या फिर प्रोसेस करती है यानी कि उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस करती है एंड देन थर्ड फाइनल लेयर आती है हमारी इसके अंदर आउटपुट लेयर जिसके अंदर जो है हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होता है और जो हमें प्रोवाइड करता है हमारा रिज़ल्ट ऑफ कॉम्पूटेशन रिज़ल्ट ऑफ कॉम्पूटेशन का मीनिंग है जो भी हमने कैलकुलेशन की जो भी हमने यहाँ पे इसके अंदर प्रोसेसिंग की डेटा के ऊपर उसको जो है आउटपुट लेयर जो है हमारी प्रोवाइड करती है रियलिस्टिकली जो है इस तरीके से कुछ आपका न्यूरल नेटवर्क होता है फर्स्ट लेयर आपकी आती है इसके अंदर इनपुट लेयर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सेकेंड लेयर आती है आपकी हिडन लेयर एंड थर्ड लेयर आती है आपकी आउटपुट लेयर यहाँ से आप देखेंगे तो इनपुट रिसीव होता है फर्स्ट लेयर के अंदर ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी आपकी इनपुट वैल्यूज है उनको आप कज्यूम कर सकते हैं इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा बट जस्ट अभी एक ओवरव्यू, एक विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे आपके लिए इमेज डिज़ाइन की है जिसके अंदर तीनों लेयर और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से काम करता है उसकी जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इस इमेज के अंदर है तो इनपुट लेयर से इनपुट रिसीव होने के बाद ये पास ऑन होता है हमारी आउटपुट लेयर्स के अंदर जहाँ पे कैलकुलेशन होती है प्रोसेसिंग होती है हमारे डेटा की अब जैसे ही डेटा प्रोसेस होता है उसके बाद हमारा आउटपुट जो होता है वो हमारा पास ऑन होता है आउटपुट लेयर में और आउटपुट लेयर जो है हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है तो ये बेसिक इमेज आपको माइंड में याद रखनी है जब भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ए, -ए, -ए -न -न की बात आपके सामने आएगी ए एन एन को हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज़ हो रहा है हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मशीन लर्निंग के थ्रू जो है हम इमेज और स्पीच रिकोग्निशन के अंदर ए का यूज़ करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर हम मशीन लर्निंग की ए एन एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं और टाइम सीरीज प्रोडिक्शन भी जो है हमारी एक एप्लीकेशन है हमारी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की अब इसके अंदर टर्म होती है परसेप्ट्रॉन अब परसेप्ट्रॉन क्या होता है ये बेसिकली आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है न्यूरल नेटवर्क की अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ब्रेक करेंगे सिंपलर टर्म्स में एंड देन लास्ट में इसको कंबाइन करके एक पूरा एज अ होल मॉड्यूल एक एज अ होल कॉन्सेप्ट समझेंगे तो परसेप्टन आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है न्यूरल नेटवर्क की जिसको जो है हम सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं अब ये जो हमारा सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क है इसके चार मेन पैरामीटर्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो है हम हिडन लेयर के अंदर कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन या जो प्रोसेसिंग में बोल रहा था उसको करते हैं तो जो चार पैरामीटर्स हैं वो है हमारे इनपुट वैल्यूज वेट्स बायस नेट सम और एक्टिवेशन फंक्शन अब पहले समझते हैं इनपुट लेयर क्या होती है सिंपल जो कि हमारे इनपुट फीचर्स को यानी जो हमारे इनपुट वैल्यूज है उनको रिप्रेजेंट करे वो होती है हमारी इनपुट लेयर अब कुछ नया है यहाँ पे वेट्स और बायसेस अब वेट्स जो है ये बेसिकली आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ यानी कि पावर कि वो कितनी सही वैल्यू आपस में शेयर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं वेट और सेकेंड टर्म जो है बायस ये बेसिकली हमारी एक एडिशनल पैरामीटर होता है जो कि हमारी इनपुट वैल्यू के साथ जो है ऐड किया जाता है थर्ड जो टर्म आती है वो आती है वेटेड सम अब वेटेड सम जो है ये बेसिकली एक तरीके से आपका फॉर्मूला है जिसके अंदर हम सम ऑफ इनपुट्स यानी कि जो हमारी इनपुट वैल्यूज होती है उनका सम करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वेट्स के साथ प्लस एक एडिशनल बायस वैल्यू जो हम ऐड करते हैं वो होती है हमारी बायस टर्म एक जनरल फॉर्मूला आपने सुना होगा स्लोप का y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो जो प्लस c होता है जिसे हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं वो टेक्निकल टर्म में एक बायस टर्म होती है तो यही जो है वो यहाँ पे हमारी बायस टर्म है और फोर्थ और इम्पोर्टेंट इसका पैरामीटर है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन अब एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है ये बेसिकली जो आपकी वेटेड सम के बाद जो एक वैल्यू आई अब हर बार पॉसिबल नहीं है हमारा डेटा के अकॉर्डिंग कि इन सब फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यूज बेसिकली यस या नो में आए तो उस वैल्यू को यस yes या नो जीरो वन या फिर बोलियन टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करते हैं और लेमन टर्म्स में एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये बेसिकली आपका एक नॉर्मल मैथमेटिकल स्टेटिस्टिकल फंक्शन है जो कि वैल्यूज़ को जो है जीरो और वन के थ्रेशोल्ड के बीच में जो है हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है ये है हमारी इनपुट वैल्यूज जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी नॉर्मल जो हमारे इनपुट फीचर को रिप्रेजेंट करेगी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और अप टू एक्स की वैल्यू एन अब इन वैल्यूज़ को जो है हम क्या करेंगे कुछ वेट से अप्लाई करेंगे अब आपको एज अ फ्रेशर इतना दिमाग इतना माइंड नहीं लगाना है कि वो वेट की वैल्यू हम कैसे असाइन करेंगे जैसे आपने बेसिक मैथ्स जब पढ़ी थी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन तो वहाँ पे आपने देखा था लॉग की कुछ वैल्यूज़ जो है वो फिक्स होती है लॉग जीरो पॉइंट फाइव है तो उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके लिए लॉग टेबल डिज़ाइन की गई उसी तरीके से हमारी इनपुट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स की कुछ वैल्यू भी जो है असाइन होगी जो कि ऑटोमेटिकली हमारे मॉडल को पता होती है कि क्या असाइन करनी है जिसे हम बोलते हैं वेट टेबल जहाँ पे इनपुट के कॉरस्पॉन्ड हमारी वेट की वैल्यू असाइन की जाती है अब जैसे ही हमारे वेट्स असाइन हो जाएंगे हमारी इनपुट वैल्यूज को अब उसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा हमारा वेटेड सम का अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम जो है एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर पास करेंगे और आउटपुट हमारा हमें मिलेगा यस या नो के टर्म्स में बेसिकली जीरो और वन के टर्म्स में जो कि हमें क्या प्रडिक्ट करता है कि कोई आपकी प्रोडिक्शन सही है या गलत है तो इस तरीके से परसेप्ट्रॉन आपका वर्क करता है अब हर बार आपको लीनियर डेटा नहीं मिलेगा कि आप उस पर परसेप्ट्रॉन अप्लाई कर सकें तो उसके लिए एक और टर्म है मल्टी लेयर जिसके अंदर हम मल्टीपल लेयर जो है हमारी परसेप्ट्रॉन की उसके अंदर डिस्कस करते हैं यही चीज़ यहाँ पे मैंशनड है कि एक न्यूरॉन जो है हम हर जगह एक न्यूरॉन के अंदर एक डेटा सेट के अंदर एक एल्गोरिदम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ नॉन लीनियरटी ऑफ डेटा तो जहाँ पे भी नॉन लीनियर डेटा होगा हाइयर डिग्री का डेटा होगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन अब सेम कॉन्सेप्ट है जैसा हमने यहाँ पे समझा कि किस तरीके से आपका परसेप्ट्रॉन वर्क करता है ये था हमारा सिंगल लेयर के लिए अब इसी तरीके से मल्टीपल लेयर्स के लिए जो है आपका मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यूज़ होता है अब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को भी थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि ये होता क्या है एम एल पी मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन जो है ये भी आपका एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का टाइप है एक सिंपलर टर्म्स है बट इसके अंदर क्या होता आपकी? है आपकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं नोड्स की या फिर जिसे हम बोल सकते हैं मल्टीपल लेयर ऑफ न्यूरोन्स अब ये जो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन है इसके अंदर जो इनपुट और आउटपुट लेयर्स हैं इसके साथ साथ जो हमारी हिडन लेयर है वो हिडन लेयर बहुत सारी हो सकती हैं और ये सभी जो है एक साथ स्टैक्ड होती हैं स्टैग्ड होने का मीनिंग है एक ही साथ जो है ये सारी लेयर्स कंबाइनली जॉइंट होती है अब मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो किया था अब इस डायग्राम के अंदर आपने देखा एक इनपुट लेयर है एक आउटपुट लेयर है और हिडन लेयर भी एक ही है अब जब मल्टीपल लेयर पर सेप्ट्रॉन की बात आएगी तो उसके अंदर जो है जो हमारी हिडन लेयर है वो एक या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं अब एम जो है हमारा एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है अभी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है आपका जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है बेसिकली इनपुट लेयर के थ्रू वैल्यू पास होगी हिडन लेयर में जाएगी वहाँ पे कैलकुलेशन होगी और आउटपुट लेयर में जो है हमें आउटपुट मिल जाएगा इसे बोलता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि इसके अलावा और क्या हो सकते हैं चांसेस तो हमारे ऐसे भी न्यूरल नेटवर्क्स के एल्गोरिदम्स हैं जो कि टू वे डायरेक्शनल यानी कि दोनों साइड जो है वो इन्फॉर्मेशन पास करती हैं एग्जाम्पल इनपुट लेयर से फीचर से वैल्यूज़ आई हिडन लेयर्स में पास हुई और आउटपुट हमें मिल गया बट अगर आउटपुट करेक्ट नहीं है तो क्या अगर मल्टी लेयर पर सेप्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे हमारा एल्गोरिदम फेल हो जाएगी देन वहाँ पे एल्गोरिदम यूज़ होती है हमारी बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम वो क्या करती है बैक साइड में ट्रैवल करेगी अगर आपका आउटपुट गलत है तो वापस जाएगी वैल्यूज़ को करेक्ट करेगी फिर उन वैल्यूज़ को यूज़ करेगी एंड देन आपका करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड करेगी तो बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम को भी जो हम इसके अंदर डीपली डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर आप मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर मैंने आपको बताया कि हर एक इनपुट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल हिडन लेयर्स के वैल्यू पास होती है अब हिडन लेयर्स के अंदर क्या होता है प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटेशन होती है कंप्यूटेशन मीनिंग कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन अभी हमने पढ़ी किसकी होती है वेटेड सम की अब वेटेड सम के लिए जो है हर एक लेयर के कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट फीचर के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वेट वैल्यू असाइन होंगी और वो वेट वैल्यू जैसी असाइन होंगी इनपुट लेयर पे वो पास ऑन हो जाएंगी हमारी हिडन लेयर के पास और हिडन लेयर के अंदर अगेन हमारा वेट सम कैलकुलेट होगा बायस टर्म ऐड होगी और उन सभी को वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पास होगी और जैसे ही वो वैल्यू हमारे एक्टिवेशन फंक्शन से पास होने के बाद जीरो और वन की टर्म्स में आ जाएगी तो वो हमारी वैल्यू पास होगी देन आउटपुट लेयर के पास और आउटपुट लेयर में हमें क्या मिल जाएगा हमारा आउटपुट मिल जाएगा सिमिलर एज सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन अब बात करते हैं ग्रेडियन डिसेंट की अब ग्रेडियन डिसेंट क्या होता है ग्रेडियन डिसेंट जो है ये बेसिकली आपके एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स होती हैं यानी कि जब हम मशीन लर्निंग मॉडल हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ट्रेन कर रहे होते हैं तो एक कोस्ट होती है अगर आप कोई भी एक टास्क करते हैं तो उसकी एक कोस्ट होती है एज एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस इमेज के अंदर बात करूँ तो मैंने यहाँ पे अगर एक वेट वैल्यू पास की W1, W1, डब्ल्यू तो ये मेरा एक सिंगल टास्क था जहाँ पे मैंने तीन वेट वैल्यू एक इनपुट लेयर के एक फीचर को पास ऑन की तो नॉर्मल टर्म्स में हमने यहाँ पे अपने कुछ कॉस्ट इन्वेस्ट की तो उस कॉस्ट की वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए हमारी एल्बोइम को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो हम ग्रेडियन डिसेंट का यूज करते हैं ग्रेडियन डिसेंट का गोल क्या होता है इसका गोल होता है ऑप्टिमल पैरामीटर्स यानी कि बेस्ट फिट पैरामीटर्स वेट और बायस के कैलकुलेट करना ताकि जो हमारा डिफरेंस होता है प्रेडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में उसको जो हम कम कर सके अब प्रेडिक्टेड आउटपुट यानी कि जो आउटपुट हमें प्रिडिक्ट करना था और जो सही में आउटपुट है अगर उनका डिफरेंस बहुत ही कम हो जाएगा तो इट मीन्स हमारी एल्गोरिदम भी ऑप्टिमाइज है और हमारे एल्गोरिदम की एक्यूरेसी भी अच्छी है अब इसके अंदर जो है हमने बोला कि ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है तो ऑप्टिमाइजेशन का कुछ प्रोसेस होगा तो उस प्रोसेस के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि बार बार एग्जीक्यूट होते हैं पहला है इनिशियलाइज पैरामीटर जो मैंने आपको बोला कि वेट की वैल्यू वेट टेबल से आती वो वेट टेबल से वैल्यू आई यानी कि हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया यानी कि हमारे पैरामीटर्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया सेकेंड कैलकुलेट द ग्रेडियंट अब उस इनिशियलाइज पैरामीटर की वैल्यूज पे हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया और ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के बाद हमने हमारे पैरामीटर्स को अपडेट कर दिया यानी कि एक्चुअल आउटपुट और प्रिडिक्टेड आउटपुट का अगर डिफरेंस थोड़ा सा भी कम हुआ तो हमारे पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी इसी तरीके से इस छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू जो है हम एक्चुअल और प्रिडिक्टेड आउटपुट की वैल्यूज़ की डिफरेंस को कम करेंगे और टू और थ्री स्टेप को रिपीट करते हुए हमारे फ़ाइनल प्रेडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस हम लेके आएंगे जहां पे हमारी एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज हो जाएगी अब ग्रेडियंट डिसेंट का एक इंस्टेंस होता है एक रूल होता है आपका डेल्टा रूल अब डेल्टा रूल जो है ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जिसके अंदर हम अभी हमने बोला क्या करेंगे हम पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करेंगे और वेट की वैल्यू को अपडेट करेंगे अब वेट की वैल्यू अपडेट होगी कैसे उसके लिए यूज़ होता है हमारा डेल्टा रूल जहां पे जो है जब हम वेट की वैल्यू को अपडेट कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या होगा जैसे ही वैल्यू अपडेट हुई अगर हमारा डिफरेंस कम आया एक्चुअल और प्रडक्टेड आउटपुट के बीच में यानी कि प्रिडिक्टेड और टारगेटेड यानी कि एक्चुअल आउटपुट के बीच में अगर हमने डिफरेंस कम कर दिया तो इसका मतलब हमारे वेट की वैल्यू की डायरेक्शन जो है सही है अब यहाँ पर डायरेक्शन का क्या मीनिंग है सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे वेट की वैल्यू है एक्स वन अब एक्स वन हमारी इनपुट लेयर से हिडन लेयर में गई प्रोसेस हुई और आउटपुट आया और आउटपुट करेक्ट नहीं आया तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा हमारे इनपुट वैल्यू को वापस इनपुट लेयर में पास करेगा अब x1 के अंदर सपोज जो है वेट टेबल से वैल्यू हमारी ऐड होके आई 0.5 तो अब वो वैल्यू होगी x1 वन प्लस ज़ीरो अब अगर इस वैल्यू को प्रोसेस करते हैं हम और अगर हमें करेक्ट आउटपुट यानी कि जो हमारा एक्चुअल और प्रिडिक्टेड आउटपुट है उसका डिफरेंस हमें कम मिल जाता है थोड़ा सा तो इसका मतलब हमारी डायरेक्शन सही है तो अब हम क्या कर सकते हैं वैल्यू को और इंक्रीज कर सकते हैं अगर अभी भी हमारा आउटपुट नहीं सही आया तो हम वापस इनपुट लेयर में जाएंगे और उसके अंदर एक्स वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव बजाय अब हम उसको कर देते हैं वन पॉइंट फाइव तो यानी कि डायरेक्शन कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यूज को मूव करना है या नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यूज को मूव करना है इसके लिए जो है आपका डेल्टा रूल डिजाइन किया गया है अब ये आपका एक टेक्निकल फंक्शन है जिसको आप देख सकते हैं डेल्टा ऑफ डब्ल्यू आई जे इज इक्वल टू तो एन इंटू टी माइनस वाई इंटू एक्स ऑफ आई अब जो मैंने आपको बोला था एक्स ऑफ आई प्लस जीरो पॉइंट फाइव ये सेम सिमिलर वही फंक्शन है अब इसी के अंदर डेल्टा डब्ल्यू आई के आपका चेंज है वेट ऑफ न्यूरोन आई और न्यूरोन जे के बीच में एन आपका लर्निंग रेट है टी टारगेट आउटपुट है वाई एक्चुअल आउटपुट है और एक्स वन जो है आपका इनपुट का वैल्यू है न्यूरोन आई की तो ये एक टेक्निकल टर्म है इसको आपको डीपली समझने की जरूरत नहीं है बट ये मैंने आपको एक विजुअलाइजेशन के लिए प्रोवाइड किया है कि सही मायने में डेल्टा रूल किस तरीके से कैलकुलेट होगा और कौन कौन से फैक्टर्स को जो है वो अपने साथ लेके चलता है तो डिसेंट और डेल्टा रूल की हेल्प से हम वैल्यूज को ऑप्टिमाइज करते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की जब हमने बात की थी हमने बोला था वो वन वे डायरेक्शन में मूव करता यानी कि इनपुट से आउटपुट डायरेक्शन अब उसी का उल्टा कर देते हैं बैक प्रोपेगेशन एल्बोरिदम अब ये एल्बोरिदम जो है बेसिकली हमारी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स को ही जो है ट्रेन करने के लिए यूज होती है हमारी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर अब देखा जाए तो बैक प्रोपिगेशन एल्गोरिदम कोई नई एल्गोरिदम नहीं है उसकी वैल्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए बैक प्रोपिगेशन एल्गोरिदम को इम्प्लाई करने के लिए हमें पहले इनपुट से आउटपुट डायरेक्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क और यही यहाँ पे मैंशनड है कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के ट्रेनिंग के लिए ही जो है बैक प्रोपेगेशन एल्बॉरिदम का यूज़ किया जाता है अब ये अल्बोरिदम क्यों डिज़ाइन की गई ये अल्बोदम डिज़ाइन की गई हमारी एरर्स को टेस्ट करने के लिए और यही चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि जब हम इनपुट नोट से आउटपुट नोट की तरफ मूव करेंगे और हमारा एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के अंदर अगर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो हम बैक प्रोपेगेट करेंगे यानी कि अब हम वापस जाएंगे आउटपुट से इनपुट नोड्स की तरफ और वैल्यूज़ को चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट एंड डेल्टा रोल अब बैक प्रोपिगेशन एल्गोरिजम जो है एफिशिएंटली कंप्यूट करती है हमारे ग्रेडियंट को जो कि मैंने आपको बताया वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए लॉस फंक्शन कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट और डेल्टा रोल का यूज़ करते हैं अब इसके अंदर ये चीज़ क्लियरली मैंशनड है कि हम लॉस फंक्शन कॉस्ट फंक्शन या फिर ग्रेडियंट डिसेंट जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारी वेट्स की वैल्यू चेंज होगी नेटवर्क के अंदर सेम चीज़ सेम कॉन्सेप्ट जब हम बार बार करेंगे हमारे डायरेक्शन हमें मिल जाएगी कि वैल्यू प्लस करनी है या माइनस करनी है हमारी वेट के अंदर तो उससे क्या होगा हमारा वेट्स का जो लॉस है जो वैल्यू है वो मिनिमाइज होता चला जाएगा और ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से जो है हम क्या कर सकते हैं फिर बार बार सेम सेट ऑफ रूल्स एम सेट ऑफ स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे और एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के डिफरेंस को हम मिनिमाइज करते चले जाएंगे अब एक वीडियो की हेल्प से जो है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम यूज होती है तो अब इस वीडियो को आपको देखना है ये सिर्फ एक एनिमेटेड वीडियो है जो हमने डिजाइन की है इसके अंदर मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा सिर्फ विजुअल्स ही जो है आपको कंप्लीटली पूरी बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम को एक्सप्लेन कर देंगे तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर आपने देखा कि हमने इनपुट इमेज इनपुट फीचर्स पास किए कैट की इमेज के हिडन लेयर्स के अंदर प्रोसेसिंग हुई कॉम्प्यूटेशंस हुई और इसने पहले प्रिडिक्ट किया डॉग वैल्यू की यानी कि एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के अंदर डिफरेंस ज़्यादा है तो अब क्या होगा बैक प्रोपेगेशन इम्प्लाई होगा और वैल्यूज़ वेट की रीफ्रेम होंगी दोबारा प्रोसेस होंगी फिर हमारी अलगोरिदम ने आउटपुट दिया हमें रैबिट विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग तो फिर से बैक प्रोपेगेशन होगी फिर से वैल्यूज चेंज होंगी वेट्स की फिर से एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होगा एंड देन लास्ट में यानी कि जब तक एक्चुअल और प्रोडिक्टेड वैल्यू हमारी या उनका डिफरेंस मिनिमाइज नहीं हो जाता जब तक जो है हम यहाँ पे बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे अब इसके अंदर एक और आपका टर्म यूज़ होती है ए एन एन के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप जिसे हम एस ओ एम एल्गोरिदम के नाम से भी जानते हैं अब एस ओ एम एलगोरिदम जो है ये बेसिकली आपकी डेटा विजुलाइजेशन टेक्निक होती है जिसके अंदर हम हाई डायमेंशनल डेटा को जो है रिड्यूस कर देते हैं लोअर डायमेंशन ऑफ डेटा के अंदर जिसे हम बोलते हैं मैप अब आपका मैप क्या होता है टू डी मैप होता है वर्ल्ड मैप कंट्री मैप जो आपने देखे है वो बेसिकली टू डी होते हैं बट डेटा हमारे पास नॉन लीनियर भी होता है यानी कि मल्टी डायमेंशनल भी होता है तो एस ओ एम एलगोरिदम का काम यही है कि वो क्या करे हाई डायमेंशनल डेटा को लोअर डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट करे एज एन एग्जाम्पल थ्री डी डेटा को टू डी में कन्वर्ट करे फोर डी डेटा को टू डी में कन्वर्ट करे तो एस ओ एम एलगोर्थम जो है ये बेसिकली हमारी क्लस्टर्स को रिप्रेजेंट करती है जिसके अंदर हम थ्री डी डेटा के अंदर क्लस्टर्स डिज़ाइन करते हैं और उनको टू डी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप एल्गोरिथम को आप एक और नाम से जानेंगे कोहनन्स मैप और इंडस्ट्री के अंदर इसको कोहेनेंस के नाम से ही यूज़ किया जाता है जो कि बेसिकली आपकी क्लस्चरिंग और मैपिंग टेक्निक है जिसको हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं और हम उसको मैप में यानी कि टू में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि पीपल्स के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी हो जाए अब आप सोचिए कि आप थ्री डी फोर डी फाइव डायमेंशनल डेटा को देख रहे हैं इन द टर्म ऑफ टू डी स्क्रीन या फिर टू डी शीट विच ज कि आपको इतना आसानी से समझ नहीं आएगा बट जैसे ही मैं उस 5D डी डेटा को फोर डिमेंशनल डेटा को एक 2D डी मैप में कन्वर्ट कर दूंगा, आप उसको ईजीली समझ पाएंगे एज एन एग्जाम्पल आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो वर्ल्ड मैप एक्चुअली में तो क्या है 3D है अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें पूरी अर्थ की बात करें बट जैसे ही हमने उसको 2D में कन्वर्ट कर दिया एक मैप में कन्वर्ट कर दिया जब हम उस 2D को फिर हम देखते हैं तो हमें इजीली समझ में आ जाता है कि इस कंट्री के लेफ्ट में ये कंट्री है इस कंट्री के राइट right में ये ओशन है ऊपर ये कंट्री है नीचे ये ओशन है तो बेसिकली किसके लिए हम ऐसे एम एलगोर्दम एम्प्लाय कर रहे हैं हमारे लिए यूज़र्स के लिए साइंटिस्ट के लिए स्टूडेंट्स के लिए ताकि हम उस हाई डायमेंशनल डेटा को भी जो है समझ पाए ये देखिए आप एक इमेज यहाँ पे क्या है आपका एक हाई डायमेंशनल डेटा मैंशनड है और वो हाई डायमेंशनल डेटा को जो है अब हम मैप कर देंगे टू डेटा में और लास्ट में आपको कुछ इस तरीके की सिंगल इमेज दिखाई देगी जो कि हाई डायमेंशनल डेटा को टू डिमेंशनल डेटा में कन्वर्ट कर देंगे इसके कुछ वेरिएंट्स है जो कि इसी से डराइव होते हैं जो हमने कि हमने डेफिनेशन आपको बताई कि हाई डायमेंशनल डेटा को लो डाइमेंशनल डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ वेरिएंट्स है इसके ग्रोइंग्स एस ओ एम सुपरवाइज एस ओ एम बैच एस ओ एम इंक्रीमेंटल एस ओ एम मल्टीलेयर एस ओ एम और ग्रोइंग हायरार्किकल एस ओ एम अब सभी के अंदर सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है बस आपकी मशीन को ट्रेन करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है ग्रोइंग सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ करना बैच बना के एस ओ एम को यूज़ करना इंक्रीमेंट करना वैल्यूज़ को तो इंक्रीमेंटल एस ओ एम हो गया तो इस तरीके से ये छः जो है आपके वेरिएंट्स हैं एस के और इस मॉड्यूल का यानी कि हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फोर्थ मॉड्यूल जिसकी हमने स्टार्टिंग की आज उसका जो है हाफ पार्ट जो है कवर हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अब हम न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड ही एक नए टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे थैंक यू